नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने इंडिया फर्स्ट की खबरों की प्रशंसा की है। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि आज की तेज जिंदगी में वो डिजिटल माध्यम से खुद को अपडेट रखते हैं। इंडिया फर्स्ट की विश्वसनीय और सटीक खबरों पर वो तुरंत एक्शन भी लेते हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इंडिया फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। डिजिटल मीडिया एक नए मीडिया के तौर पर उभर कर सामने आया है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर इस समय लगातार जो है उपस्थिति देखी जा सकती है। आम जनता सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहे हैं, राजनेता भी कहीं पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको क्या लगता है कि मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण हो गया है? लोगों से जुड़ने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी स्वयं सीधे जनता से जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की अपेक्षाएं और उनके अंदर संभावनाएं दोनों ही ज्यादा हैं, और इसलिए दोनों की पूर्ति के लिए आज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ऐप जारी किया गया है, जो जुड़ने का एक सीधा माध्यम है, अपनी बात को कहने का, रखने का, पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है। वर्तमान दौर में जिस तरह से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, वास्तव में अच्छा है। आपका ये इंडिया फर्स्ट ये जो चैनल है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी। अभी हम देखते हैं कि लगातार जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लगातार अपने क्षेत्र और मध्य प्रदेश की जनता से जुड़े रहते हैं। कम समय में अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुँचाना ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस माध्यम का प्रयोग होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी इंडिया फर्स्ट की खबरों के प्रामाणिकता और प्रेजेंटेशन की सराहना की। इंडिया फर्स्ट को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दमदार खबरों के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज के साथ। लॉग इन करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें इंडिया फर्स्ट न्यूज टीवी। नमस्कार। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।